आज के समय में जो हम जीन्स पहनते हैं, उस जीन्स पर आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनी हुई होती है, कहीं पर कुछ फटा हुआ होता है, कहीं अलग अलग प्रकार की डिजाइनें होती हैं। लेकिन ये सारी जो डिजाइनें होती हैं वह मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन जापान की एक जू जीन्स कंपनी है जो कि अपने जीन्सों को, जो जीन्स का पैंट वो बनाती है, उसमें प्राकृतिक रूप से उन डिजाइनों को बनाया जाता है। और वह प्राकृतिक जो डिजाइनें होती हैं वह कोई इंसान नहीं बनाता है, वह शेर, चीता, भालू, इनकी मदद से उन डिजाइनों को बनाया जाता है। तो आपके मन में अब यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये शेर, चीता, भालू कैसे उस डिजाइन को बना लेते हैं। वास्तव में जो उसमें जो कपड़ा यूज होता है, जो जीन्स हम पहनते हैं, उस जीन्स के कपड़े को एक टायर पर लपेट करके इन जानवरों के सामने रख दिया जाता है। फिर जानवर जो है उस जीन्स के कपड़े से, मतलब जो टायर में लपेटा हुआ कपड़ा है उससे खेलते हैं, और उसमें जो जैसे नाखून से जो निशान वो लगाते हैं या मुंह के दांतों से वो निशान लगाते हैं, तो उन्हीं दांतों को जो जो निशान बन जाता है उस कपड़े में, फिर बाद में उस कपड़े को लेकर के उसी से फिर उस पैंट को बनाया जाता है, जींस के पैंट को बनाया जाता है। इसमें जो पैंट है वह L1, B1 और T1 तीन प्रकार से आता है, जिसमें से L1 वाला जो जीन्स होता है वह लाइन के द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया गया निशान होता है। B1 वाला जो होता है वह भालू, बियर के द्वारा बनाया गया निशान होता है। और जो T1 वाला जीन्स होता है वह टी का मतलब हो गया टाइगर, टाइगर के द्वारा, चीता के द्वारा वह निशान प्राकृतिक रूप से बनाया गया होता है। अब अगर आप इस पैंट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक जोड़ी मतलब दो जीन्स को खरीदने के लिए $1500 खर्च करना पड़ेगा।